इधर रहता हूँ। कभी शाम के टाइम में मेरा एक बार चेक करा सो बीबी तो कंट्रोल में नहीं है, आप छोड़ दो। बात करने के लिए डॉक्टर से स्पीच कर लो, इनको थोड़ा साइड के लिए कर एक साथ। मैं समझ गया। तो उसको बोल दो, कॉल करके बता देना, बात कर लेगा ऑफिस से, ठीक है। ये जो आज का मेडिकल कैंप गढ़ी 3 सिखलाई की बटालियन की तरफ से लगाया गया है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा मेडिकल कैंप, यहाँ जो डॉक्टर साहबान हैं, लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर भी आए हुए हैं, इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर साहबान भी आए हुए हैं। जानवरों को चेक किया जा रहा है, जानवरों को देखा जा रहा है, जो कमज़ोर जानवर हैं या कोई बीमारी के पकड़ में आए हुए हैं वैसा उनके टेस्ट लेकर उसी किस्म की दवाई वगैरह दी जा रही है और फीस दी जा रही है। ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक गर्व की बात है कि फ़ौज की तरफ से बड़ी मदद की जाए। इसी तरह से जो मेडिकल कैंप है, इसमें भी बहुत सारे एक्समैन आए हुए हैं, फीमेल गौं आई हुई हैं, इसके अलावा जो एडिकैप लोग आए हुए हैं, इनको फ्री दवाई दी जा रही है। 3-4 डॉक्टर बैठे हुए हैं, चेकिंग कर रहे हैं, जिस किस्म की जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो मैं इनकी तरफ से, यूनिट की तरफ से, लोगों की तरफ से, जो आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बटालियन ने, जब कि यहाँ आए हैं, हमें कभी कोई डेथ हो जाती है, शादी होती है, किसी गरीब आदमी की लड़की की शादी होती है, तो ये हमारी बहुत मदद करते हैं। पानी की गाड़ी की जरूरत पड़ती है, तरपाल टेंट की जरूरत पड़ती है, तो इनकी CO साहब, SM साहब, बाकी जो भी ऑफिसर साहबान हैं, इनकी तरफ से हमें पूरा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी बटालियन जो वाहेगुरु है, खुदा है, अल्लाह ताला है, मैं उसके आगे भी ये अरदास करूँगा, ये हर वक्त चढ़ती कला में रहे। कहना चाहूँगा यहाँ से जम्मू जाने के लिए, पहली तो बात है कि गरीब आदमी के पास इतना बड़ा किराया नहीं होता, और जब डॉक्टर के पास जाता है, एक एक डॉक्टर की 1300-1300 रुपया वहाँ फ़ी होती है, जो आम आदमी चेक ही नहीं करवा सकता। और इस कैंप से इस इलाके को, हमारे जो गरीब लोग हैं, इनको खास करके बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। चेकअप भी फ्री में हो रहा है, डॉक्टर भी फ्री में देख रहे हैं, टेस्ट भी फ्री में हो रहे हैं, और मेडिसिन भी फ्री में दिए जा रहे हैं। मेरा नाम रघुबीर सिंह है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके मीडिया रिपोर्टर्स का और इस सेना का, आर्मी का, जिन्होंने मेडिकल कैंप लगाया और इतने दूर से चल के आए हैं। खास करके हमारे जो डॉक्टर मैम हैं, मैडम हैं, इनके साथ दूसरे डॉक्टर साहब हैं, जितने भी हैं मेडिकल डिपार्टमेंट का, जितना भी सहयोग है, और हमारे निरस्त जुटें जितनी भी हैं बॉर्डर से लेकर जहाँ तक, इनका बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग है, जो तकरीबन कैंप लगाते रहते हैं और हमारे पेशेंट का बहुत अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है। और जुंट का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जुंट का, सेना आर्मी के ऑफिसर्स का, जवान का, जो कि इतने दूर से चल के, इस गर्मी में मैडम हमारे कहाँ से आए हैं, पैदल चल के आए हैं, पहाड़ी एरिया है, और कितना पैदल चल के आए हैं, पसीना पसीना होके आए हैं। भी लगा है, लेकिन जो आज लगा है ये काफ़ी तरीबे काफल है, काबिल तारीफ जिसको बोलते हैं वो है,
और बहुत अच्छा फैसिलिटी हो रही है। जो पेशेंट थे घर में जाके मैडम ने जाके और स्टाफ ने जाके देखे हैं और पेशेंट को लेके आए हैं जिनको जहाँ पर ज़रूरत थी। और जहाँ तक जो ज़्यादा गरीब लोग भी हैं, बॉर्डर एरिया भी है, तो उन अपने गाड़ी की फैसिलिटी दी और पेशेंट को जहाँ तक जो उनकी ज़रूरत थी उनको कमांड हॉस्पिटल तक भी भेजा है। तुरंतजार तो हम कर ही नहीं सकते, जितना कुछ भारतीय सेना हमारे लिए कर रही है इतना कोई नहीं कर सकता। और ख़ास करके इस गर्मी में और इस पहाड़ी एरिए में सेना का बहुत बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने इतना टाइम निकाल के हमारे को इतनी फैसिलिटी दी है। मैं तो यही बोलूँगा कि सेना द्वारा आगे भी ऐसा ही रहेगा और तकरीबन सेना का बहुत अच्छा है, जहाँ पर हर किसी टाइप के डॉक्टर साहब आए हुए हैं और हर चीज़ का फैसिलिटी है और फ्री की फैसिलिटी है। फ्री का क्या जवान क्या जानवर सिविल लोग हैं जितने इनके हर टाइप की फैसिलिटी है। मैं डॉक्टर मज़र अली शाह वेटनरी ऑफिसर नौशहरा से हूँ। यहाँ पे भारतीय सेना की तरफ से घड़ी में एक वेटनरी कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें जितने भी आसपास के किसान हैं फार्मर्स हैं वो अपने एनिमल्स को यहाँ लेके आए। उनकी जो समस्याएं थी एनिमल्स को लेके वो हमने देखी यहाँ पे अच्छे से देखी। देखने के बाद और जो मेडिसिन थी उनके दवाइयाँ देनी थी उनको हमने दवाइयाँ भी दी हैं। और ये जो भारतीय सेना जो ये काम कर रही है जो फार्मर्स तक पहुँच रही है ये बहुत अच्छा काम है और इसे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा काम है, इसे आगे भी ऐसे काम चलते रहेंगे और हम इनको भारतीय सेना के साथ मिलकर काम ये करेंगे। और डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कैंप रख रहे हैं ये, जिससे हमारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ भी शो हो रही हैं और प्लस जो फार्मर्स तक हम अच्छे से पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि जैसे हर एक फार्मर्स का वेटनरी हॉस्पिटल तक पहुंचना एनिमल को लेके थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो ये लोकल कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इससे जो फार्मर्स हमारे हैं बॉर्डर एरिया के खासकर, तो वो अपने जानवर वहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर के पास अच्छे से चेक करवा पा रहे हैं, वो एनिमल खुद लेके आ रहे हैं वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है ये, उनको काफ़ी बेनिफिट है इसको, दवाइयाँ भी ऑन स्पॉट मिल रही हैं तो काफ़ी फ़ायदा है इनको। हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, जो भी कैंप रहते हैं इससे पहले भी हम साथ थे, इसके आगे भी जो कैंप रहेंगे हम साथ रहेंगे और डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन पूरा मिलेगा और बहुत अच्छा स्टेप है इनकी तरफ से।